गोएबल्स का जो अब दौर है वो आया हुआ है। तो ये गोएबल्स कौन था? सुप्रीम कोर्ट के जजों को डराया धमकाया जा सकता है, एंथ्रेक्स के लेटर्स उन्हें भेजे जा सकते हैं, जहर आलूद लेटर्स उन्हें भेजे जा सकते हैं। तो वो तो एक रिटायर्ड जज गैप पैदा कर दिया जाए जिसकी नतीजे में लोग ये सोचना शुरू कर दें कि इस मुल्क के अंदर जो जुडिशरी है, जो अदलिया है, वो फैसले नहीं दे सकती। ये प्रेशर तो नवाज शरीफ के मुकदमों में भी था, तब तो जजों ने ऐसी कोई बात नहीं कही। अस्सलामुअलैकुम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा ने आज 6 जजों के खत के ऊपर पहली समाअत की और इसके अंदर उन्होंने इंडिया दिया कि इसको फुल कोर्ट भी सुन सकती है। और इस दौरान में उन्होंने भरपूर तरीके से तज्जिया करते हुए और तमाम हक़ाइक़ को ओपन कोर्ट में सबके सामने रखते हुए मामले को आगे बढ़ाया। वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, नहीं है तो वो देख लेंगे, पढ़ लेंगे और शाम को उस पर आपको बेशुमार तज्जिए भी सुनने को मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैं जो एक नुक्ता उसके अंदर उन्होंने बयान किया कि गोएबल्स का जो अब दौर है वो आया हुआ है। तो ये गोएबल्स कौन थे? ये जोसेफ गोएबल्स ये हिटलर का प्रोपेगेंडा वज़ीर था। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आखिर इसका तज़किरा क्यों किया है? तो गोएबल्स का फ़न ये था कि वो झूठ को सच साबित कर देता था और वो ये कहा करता था कि झूठ को इतने तवातर से बोलें कि वो लोगों को सच लगना शुरू हो जाए। और चीफ जस्टिस ने जब ये बात की है तो वो दरअसल इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसके बावजूद कि जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी एक इंतहाई सच्चे और एक इंतहाई अपराइट जज हैं, लेकिन वो भी उस प्रोपेगेंडा से जो कि इंक्वायरी कमीशन के ख़िलाफ़ शुरू हुआ था उससे घबरा गए। ये भी लोग कहते हैं कि जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के बारे में तो ख़ुद इमरान खान ने कहा था कि इनकी सच्चाई की कसम मैं खाने को तैयार हूँ। लेकिन एक इंसान के अंदर सच्चाई ही सब कुछ नहीं होती है, उसके किरदार के और भी बहुत सारे पहलू होते हैं। और ऐन मुमकिन है कि जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के किरदार के किसी और पहलू के हवाले से कोई ऐसा पहलू हो कि जिसके बारे में उन्हें ये इंटीमेट किया गया हो, ये इंडिकेट किया गया हो कि अगर आपने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही करते हुए 6 जजों के मामले को सुनना शुरू किया तो फिर हम वो चीज़ें भी बाहर ले आएंगे। जिस तरह से एंथ्रेक्स वाले लेटर्स मिलना शुरू हो गए हैं, जहर आलूद लेटर्स मिलना शुरू हो गए हैं, जिनकी कि इस वक्त हो रही है बाकायदा कि भाई क्या ये जैनुइन है या नहीं है, और फिर इसमें वो गिरफ़्तारी भी अमल में आई है। लेकिन जजेस को अगर ये लेटर्स जा रहे हैं तो इसमें अगेन जो पीछे लोग बैठे हुए हैं उनका मकसद ये है कि इंतज़ामिया और जुडिशरी के दरमियान एक ऐसा बौध पैदा कर दिया जाए, एक ऐसा गैप पैदा कर दिया जाए कि जिसकी नतीजे में लोग ये सोचना शुरू कर दें कि इस मुल्क के अंदर जो जुडिशरी है, जो अदलिया है, वो फैसले नहीं दे सकती है क्योंकि उसको अंडर प्रेशर रखा जाता है। अब ये एक्सरसाइज करने का, ये ख़त भेजने का कि जिसके अंदर कोई जहर मौजूद है और वो जिससे लोगों की आंखों में जलन शुरू हो गई है और बाकी चीज़ें हो गई हैं, उसका मकसद तो ये है कि जुडिशरी और एग्जेक्टिव के दरमियान गैप इस कदर बढ़ाया जाए कि लोगों का, देखने वालों का एतमाद कायम ना हो। लेकिन चीफ जस्टिस ने गोएबल्स का जिक्र करके असल में ये बात बताई है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे अनासर मुतहर्रिक हैं जो कि प्रोपेगेंडा के ज़ोर पर, जो सोशल मीडिया के ऊपर लगाई जाने वाली पोस्ट्स के ज़ोर पर इस बात, झूठ को सच साबित कर देते हैं और आवाम की एक बड़ी तादाद को मुतासर करते नज़र आते हैं। जिस तरह से फॉर्म 45 के हवाले से जबकि इलेक्शन 6 बजे कंक्लूड हुआ और 8 बजे लोगों के पास फॉर्म 45 पहुंच भी गए थे और मीडिया के ऊपर एक शोर मच गया था कि जनाब फॉर्म 45 के हिसाब से पीटीआई जो है वो जीत गई है। और उसके बाद जब फॉर्म 47 आया तो सोसाइटी के अंदर कोई ये बात मानने को, तस्लीम करने को तैयार नहीं था। हालांकि फॉर्म 45 एक गैर मुसद्दका वो कागज़ होता है जो कि पोलिंग स्टेशन के ऊपर वोटों की गिनती के बाद एजेंट को जारी किया जाता है और जिसके अंदर गलती का इम्कान बहरहाल मौजूद होता है। अलबत्ता फॉर्म 47 जो है वो तमाम तर गलतियों से मुबर्रा करके इलेक्शन कमीशन उसको जारी करता है। लेकिन ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया कि आज इसके बावजूद के पीटीआई हुकूमत में नहीं है, आज इसके बावजूद के वो सेनेट का इलेक्शन बुरी तरह हार गई है, लेकिन फॉर्म 45 के ऊपर वो जीती हुई है और इसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा के ज़ोर पर पीटीआई ने अपनी अवामी ताईद व हमायत को बाकी रखा हुआ है। इसी तरह से जब 6 जजों के मामले के ऊपर ये कमीशन बना, इंक्वायरी कमीशन बना जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का, तो जहाँ एक तरफ उन्हें डराया धमकाया गया, अगर 6 जजों को डराया धमकाया जा सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों को डराया धमकाया जा सकता है, एंथ्रेक्स के लेटर्स उन्हें भेजे जा सकते हैं, जहर आलूद लेटर्स उन्हें भेजे जा सकते हैं, तो वो तो एक रिटायर्ड जज जिनको वो सिक्योरिटी भी मैसर नहीं होगी और जिनका फ़ोन भी उस तरह से और बाकी चीज़ें भी उस तरह से सिक्योर नहीं होंगी जिस तरह से कि हाज़र सर्विस जजेस की होगी। तो उन्हें किस हद तक डराया गया होगा। एक तरफ डराया गया और दूसरी तरफ एक प्रोपेगेंडा के ज़रिए एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया जिसमें अनफॉर्चुनेटली ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी पूरी तरह से पेश रहा और आज एक मामला जो कि सुधर सकता था, इंक्वायरी कमीशन के ज़रिए इंक्वायरी करके वो फैक्ट्स सामने लाए जा सकते थे, उसकी बजाय उसे बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है। तो जो लोग उसे बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं उनका मकसद हकायक तक पहुंचना नहीं है, उनका मकसद उस खत की बुनियाद के ऊपर एक और प्रोपेगेंडा करना है जिसके अंदर बताया गया है कि टेरियन वाइट का जो मुकदमा था वो उसके ऊपर भी उनके ऊपर प्रेशर था। तो अगर उसके ऊपर प्रेशर था तो इमरान खान की बेल्स के हवाले से, साइफर केस के हवाले से, इसी तरह से वो जो मुकदमा अलकादर यूनिवर्सिटी का है, फिर तोशा खाना का है, क्या सब के ऊपर वो प्रेशर था? भाई ये प्रेशर तो नवाज शरीफ के मुकदमों में भी नहीं था, में भी था, तब तो जजों ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, कोई बात जमात लेटर्स नहीं लिखे थे, कोई सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से अंडर प्रेशर नहीं किया गया था। तो इसके बावजूद कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि वो अंडर प्रेशर नहीं आएंगे, लेकिन ये बात तय है कि जो मीडिया का, जो सोशल मीडिया का जो प्रोपेगेंडा था उसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ना सिर्फ ये कि एक लार्जर बेंच बना के उस मामले को सुनना पड़ा है, बल्कि अब उन्होंने इंडिया दे दिया है कि वो इसे फुल कोर्ट में भी तब्दील कर सकते हैं। ये जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, ये जो आज के गोएबल्स हैं, वो पाकिस्तान को कहाँ ले जाएंगे अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। शुक्रिया।